हेलो गाइस, मेरा नाम है गुलाम गौस। आप देख रहे टेक सिंपल। तो बिग बिलियन डे सेल आ रहा है, बहुत लोग कैमरा खरीदने के लिए सोच रहे होंगे और दिमाग में चल रहा होगा कि कौन सा कैमरा ले। यहाँ तक कि ये भी दिमाग में चल रहा होगा, हम बता रहे हैं आपको कौन कौन सा कैमरा लेने का दिमाग में चल रहा होगा। सबसे पहले तो आप कैनन का जो है मार्क टू लेना चाह रहे होंगे या M50 लेना चाह रहे होंगे जो मिररलेस है। एक कैमरा बहुत पॉपुलर हो रहा है, सोनी ZV-E10। तो ये तीनों कैमरा का हम कंपेरिजन करेंगे इस वीडियो में और एंड में आपको बताएंगे कि ये तीनों कैमरा में से कौन सा कैमरा बेस्ट रहेगा। तो देखिए, तीनों कैमरा जो है 4K रिकॉर्डिंग कर सकता है वीडियो को, लेकिन सोनी ZV-E10 में जो 4K का रिकॉर्डिंग का हिसाब किताब है वो ये दोनों से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये 6K रेजोल्यूशन में वीडियो को रिकॉर्ड करता है और जो एक एक्चुअल आउटपुट देता है वो 4K में देता है। एक चीज़ का फ़ायदा ये भी है कि ये बिल्कुल क्रॉप नहीं करता है। तो जैसे कि ब्लॉगिंग करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा, तो क्रॉप नहीं होना चाहिए। सब चीज़ होना चाहिए, क्रॉप नहीं होना चाहिए। सोनी ZV-E10 में 4K में क्रॉप कब होगा हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि आप स्टडी मोड को ऑन करके रखेंगे, जैसे कि स्टेबलाइजेशन मोड को ऑन करके रखेंगे तो इसमें क्रॉप होगा, नहीं तो ये क्रॉप नहीं होता है। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। देखिए, प्राइस की बात की जाए तो सोनी ZV-E10 जो है 61,500 में इसका करंट प्राइस अभी है। फ्यूचर में क्या रहेगा नहीं रहेगा, सेल में क्या रहेगा, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। और कैनन 200D Mark II की बात की जाए, जो DSLR वाला है, उसका जो है 57,000 प्राइस है। और M50 Mark II की बात की जाए तो उसका भी 57,000 प्राइस है। तो यानी सोनी ZV-E10 यहाँ पे 4,500 ज़्यादा प्राइस ले रहा है, लेकिन 4,500 प्राइस लेने के बाद क्या क्या अच्छा दे रहा है या क्या क्या मतलब कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो सबसे बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी सोनी ZV-E10 का ही यहाँ पे आपको देखने के लिए लगेगा। रीज़न ये है कि ये इतना कॉम्पैक्ट है कि आपको बहुत मज़ा आएगा। कहीं पे भी आप ले जाओगे, कुछ भी, जैसे कि ब्लॉगिंग करोगे तो आपको भारी नहीं लगेगा, बल्कि नहीं लगेगा, काफ़ी छोटा कैमरा है। और जो इसका कैपेसिटी है, इससे ये दोनों कैमरा से ज़्यादा अच्छा है। तो आप कॉम्पैक्ट और बिल्ड क्वालिटी की डिजाइनिंग में जैसे कि देखोगे तो आपको सोनी ZV-E10 ये दोनों से अच्छा लगेगा। मार्क टू जो है थोड़ा सा छोटा है, मतलब कैनन 200D से अगर देखा जाए तो, और कैनन 200D Mark II जो है सबसे बड़ा कैमरा है इन तीनों कैमरा में से। फ्लैश की बात करें तो कैनन 200D में और आपको M50 दोनों में आपको फ्लैश लाइट देखने के लिए मिलता है। सोनी ZV-E10 में फ्लैश लाइट देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इसमें आपको फ्लैश लाइट जैसे कि लगाना है तो इन फ्यूचर में आप फ्लैश लाइट लगा सकते हैं, जो कि एक्सटर्नल फ्लैश लाइट के नाम से मिल जाएगा आपको। अब हम बात करते हैं पोर्ट्स की। तो देखिए, पोर्ट्स की बात करें तो आपको Type-C पोर्ट्स जो है सोनी ZV-E10 में देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप चार्जिंग करेंगे तो आप डायरेक्टली इससे चार्ज कर सकते हैं, फ़ोन जैसा चार्ज करते हैं उसी तरह से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और कोई भी जो है, मान लीजिए कि मोबाइल फ़ोन आपका Type-C आपके पास में है तो उससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों में से किसी को चार्जिंग करना पड़े तो इनका बैटरी निकालो, पहले दूसरे अडेप्टर में घुसेरो, फिर उसके बाद चार्ज करो। ये अलग टाइप का सिस्टम है, तो इसमें बैटरी आपको निकालने की आवश्यकता बार बार नहीं पड़ेगा। सबका एक्सटर्नल बैटरी डिजिटेक का कंपनी का है, तो आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा अगर आपको सेकेंडरी बैटरी चाहिए होता है तो। अब हम बात करते हैं माइक। माइक तीनों में लग जाएगा, लेकिन ऑक्स केबल जो है यहाँ पे आपको सोनी में एक एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाता है, जो कि हेडफोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या स्पीकर घुसेर करके स्पीकर को भी आप सुन सकते हैं। बाकी आपको मिनी HDMI इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि तीनों में आपको देखने के लिए मिलता है। और मार्क टू और कैनन 200D में आपको Type-C के बदले में Micro USB, वो पुराने वाले जो ज़माने के हैं, वही आपको देखने के लिए मिलेंगे। सोनी ZV-E10 में दो फीचर्स आपको ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा जो कि वो दोनों कैमरा में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। सबसे पहला, प्रोटेक्ट शो केस। उससे फ़ायदा ये होता है कि कोई भी चीज़ को जैसे कि कैमरा के पास में आप ले जाओगे तो ये जैसे कि अभी फेस पे, जैसे कि मान लीजिए कि फोकस में है तो वो कहाँ पे फोकस करेगा, प्रोडक्ट पे फोकस कर लेगा। ये फीचर्स उसमें नहीं है, दोनों में से किसी में भी। और एक जो फीचर मिलता है इसमें, वो मिलता है डीप फोकस का, मतलब किट लेंस से ही, मतलब थोड़ा सा आप ज़्यादा ब्लर कर सकते हो दोनों कैमरा के हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि इनके पास भी किट लेंस है दोनों के पास में, लेकिन वो उतना ब्लर नहीं कर पाएंगे। लेकिन सोनी ZV-E10 का जो किट लेंस है, छोटा सा जो लेंस आप देख रहे हैं, उससे भी आप जो है आप बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं डी फोकस मोड का इस्तेमाल करके। डी फोकस का मतलब हो गया कि अपार्चर खुल जाएगा और आपका जो है एरिया को, पीछे वाले को, बैकग्राउंड को ब्लर कर देगा और आपको जो है फोकस में रखेगा। तो ये एक तरह से समझ लीजिए छोटा सा प्राइम लेंस का जैसा काम करता है, लेकिन फिर भी प्राइम लेंस का टक्कर का नहीं है ये। लेंस की बात कर ही रहे हैं तो अब हम चलते हैं प्राइम लेंस की तरफ में। सोनी लेंस खरीदने के टाइम में आँख से आंसू निकलवा देता है, ये चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। बहुत महंगे लेंस आते हैं इनके, लेंस तो सारे अवेलेबल हैं इनके, लेकिन आँख से आंसू निकाल देते हैं ये। कैनन में क्या है कि आप प्राइम लेंस लोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 के अंदर में आपको प्राइम लेंस देखने के लिए मिल जाता है। सेल में अगर परचेज करेंगे तो 7,000 से लेकर के आपको 6,000 के बीच में भी देखने के लिए मिल जाता है बिग बिलियन डे सेल में।
लेकिन सोनी का जो प्राइम लेंस है उसका कीमत सारे 22,000 रुपया है। आप सोच लीजिए इसी से कि कितना ज़्यादा इसका लेंस महंगा है, डबल से भी ज़्यादा है, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। लेकिन जो इसके पास में लेंस है वो आपको कैनन में देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसमें आपको OSS ऑप्टिकल स्टडी शॉट जिसको बोलते हैं, ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जो कि ये दोनों में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में सोनी जो है हार रहा है, वो कैसे ये भी चीज़ को हम बताते हैं। देखिए डिस्प्ले जो है फुल्ली टच नहीं है इसका, मतलब कुछ चीज़ को आप टच कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोटो को जूम कर सकते हैं, जैसे कि ऑटो फोकस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं किसी सब्जेक्ट को, मतलब डिस्प्ले को टच करके, लेकिन फुल्ली ऑपरेट नहीं कर सकते। फुल्ली ऑपरेट करने के लिए जो है बटन से ऑपरेट करना पड़ेगा। कैनन 200D में और M50 में दोनों में जो है आपको फुल्ली टच आपको स्क्रीन देखने के लिए मिल जाता है, तो आप काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। सोनी ZV-18 हम बहुत दिन से यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसमें ऑपरेट क्या करना है आपको, ये मोबाइल तो है नहीं कि दिन रात बैठ के आप चलाते रहोगे, आपको रिकॉर्डिंग करना है, नॉर्मल फ़ोटो लेना है, उसी से आप 2-4 बटन होते हैं उसी से ऑपरेट हो जाते हैं, ज़्यादा ये बहुत बड़ा इशू नहीं है ये। अब हम इसका बात करते हैं बैटरी कैपेसिटी की। सोनी ZV-18 में आपको 1020 mAh बैटरी देखने के लिए मिल जाता है, और M50 में जो है आपको 875 mAh बैटरी देखने के लिए मिल जाता है, और कैनन 200D Mark II में आपको देखने के लिए मिल जाता है 1040 mAh। तो लगभग दोनों में सेम है, लेकिन M50 में आपको थोड़ा सा कम बैटरी देखने के लिए मिलता है और ड्रेन भी जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। तो अब हम बात करते हैं बैटरी का जो इसका रिकॉर्डिंग कैपेसिटी उसके बारे में। तो देखिए फ़ोटो जैसे कि लेंगे आप तो 440 फ़ोटो ले सकते हैं सोनी ZV-18 से, मतलब फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं हम। रिकॉर्डिंग की बात करें तो 80 मिनट कंपनी जो है क्लेम करती है 4K में, लेकिन उतना चलेगा नहीं, 60 से 70 मिनट आप मान के चल लो। M50 में जो है आपको 350 फोटो देखने के लिए मिल जाता है, जो कि सोनी ZV-18 से कम है, और रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ आपको 70 से 80 मिनट ये भी बोलते हैं, लेकिन उतना चलेगा नहीं, 50 मिनट इसमें मान लो। सबसे ज़्यादा बैटरी बैकअप आपको 200D Mark II में देखने के लिए मिलता है, 600 फोटो आप उसमें ले सकते हैं, और रिकॉर्डिंग की बात करें तो 120 मिनट यानी 2 घंटा के आसपास में रिकॉर्डिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अगर 2 घंटा नहीं भी चलता है तो 1.5 घंटा भी बैटरी जो है बहुत ज़्यादा बैटरी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं कि जैसे कि 4K में रिकॉर्डिंग करेंगे तो मार्क 2 में और 200D में जो है आपको 30 मिनट रिकॉर्डिंग करने के बाद में कैमरा जो है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, मतलब ये एक लिमिट है कि आप 30 मिनट तक कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सोनी ZV-18 में भी जो है जैसे कि टेम्परेचर कैमरा का ज़्यादा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक वो ऑफ हो जाता है, लेकिन सेटिंग्स में जाकर के उस चीज़ को जैसे कि आप ऑफ कर देंगे तो आप कंटिन्यू इससे शूटिंग कर सकते हैं बिना कोई लिमिट के। सोनी ZV-18 में व्यू फाइंडर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, ये चीज़ खलता है बहुत, और M50 और 200D में जो है आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा व्यू फाइंडर, जो फोटोग्राफर के लिए जो है ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। सेंसर्स की बात करें तो सोनी ZV-18 में आपको 24.2 MP APS सेंसर देखने के लिए मिलता है, बाकी M50 और 200D में जो है 24.1 MP APS सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। स्लो मोशन रिकॉर्डिंग की बात करें तो देखिए सोनी ZV-18 में आप फुल HD में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 120 FPS पे, जो कि ये दोनों से काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप M50 में रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको 720 PS का ऑप्शन मिलता है रिकॉर्डिंग करने के लिए, और कैनन 200D में आपको तो ये चीज़ मिलता ही नहीं है। रिकॉर्डिंग कैपेसिटी की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा रिकॉर्डिंग कैपेसिटी सोनी ZV-18 के पास में है, आप इसमें जो है फुल HD में जो है 120 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और ये दोनों में अगर बात करें जैसे कि M50 और कैनन 200D में तो आप इसमें जो है मैक्सिमम जो है फुल HD में 30 FPS और 60 FPS रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग कैपेसिटी आपको फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से देखा जाए तो फुल HD में ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन 4K की बात की जाए तो 4K में 24 FPS पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं सोनी ZV-18 में, और 25 FPS दोनों में कर सकते हैं। फोकस पॉइंट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, फोकस सबका अच्छा है इसलिए हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर बोलेंगे कि अगर 19-20 में से किसी एक को चुना जाए तो यहाँ पे 19 ये दोनों कैनन के हैं और 20 जो है सोनी का आपको देखने के लिए मिल जाता है। फोकसिंग स्पीड जो है बहुत ज़्यादा है इसका। अगर सोनी ZV-18 जो है 4,500 एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा, क्या क्या चीज़ आपको इसमें कमी देखने के लिए मिलेगा, इस वीडियो में हमने कंपेयर कर दिया है। आज के डेट में जो है DSLR आप परचेज नहीं करो, आप मिररलेस की तरफ जाओ, क्योंकि सेम प्राइस में जब मिल रहा है तो M50 को आप परचेज कर सकते हो या सोनी ZV-18 को परचेज कर सकते हो। अगर आपको व्यू फाइंडर चाहिए जैसे कि फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आप M50 ले सकते हैं या 200D ले सकते हैं, लेकिन अगर जैसे कि आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग ही रिकॉर्डिंग चाहिए, आप YouTube पे काम करते हैं या जैसे कि कुछ वीडियो बनाना चाहते हैं और क्वालिटी बहुत मैटर करता है तो आप सोनी ZV-18 को परचेज कर सकते हैं। किट लेंस में भी काफ़ी अच्छा काम करता है और प्राइम लेंस में भी काफ़ी अच्छा काम करता है। तो यही था इस वीडियो में सोनी ZV-18, कैनन 200D मार्क 2 और M50 का कंपैरिजन। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल टेक सिंपल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।